नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं तो आसमान पर हल्के हल्के बादल भी है, ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त सोलन में चली हुई है, जिससे मौसम तापमान में गिरावट भी हुई है। और तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी के मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट है। हालांकि आज कुछ एक स्थानों पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है, लेकिन कल से प्रदेश में व्यापक असर पश्चिम विक्षोभ का देखने को मिलेगा। प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं तो सोलन में हल्के हल्के बादल हैं। हालांकि सोलन में परसों मौसम अचानक ख़राब हो गया था और बारिश हुई थी। और सोलन की बात करें तो सोलन में भी और कंडाघाट के क्षेत्र में जो जिला सोलन का क्षेत्र है वहां पर तो जमकर मेघ बरसे थे, लेकिन कल जिला में मौसम थोड़ा साफ रहा। लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल बारिश भी हुई है और भरमौर में ओलावृष्टि हुई है। अपर शिमला के क्षेत्रों में भी ओलावृष्टि हुई, जिससे सेब की फसल को बहुत अधिक नुकसान हुआ है, बड़े बड़े ओले गिरे हैं। और आज भी इसी तरह की संभावना बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश होने की, पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय है और उसका प्रभाव 13 मई तक प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस दौरान तापमान में भी गिरावट हुई है। राजपूत लुकेंदर चौहान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए तो हम उनका स्वागत करते हैं। सोलन से जुड़े उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के सोलन के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, तो स्वागत है जी। ठाकुर टीसी तिवारी जी और राजपूत नरेश नेगी जी, आज बारिश हो सकती है क्या? बारिश की संभावना आज भी है, कल भी है, कल बल्कि ज़्यादा है। और सुनील ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। हैरी राणा जी धूप फुल है, उन्ना की जानकारी दे रहे हैं। गगन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। नरेश गुप्ता जी का भी हम स्वागत करते हैं। कुल्लू में मौसम साफ है, राफ्टिंग हो रही है और पैराग्लाइडिंग भी हो रही है। टीसी तिवारी जी इस वक्त हमें जानकारी दे रहे हैं, राफ्टिंग वहाँ पर हो रही है, बड़ी संख्या में पर्यटक राफ्टिंग के लिए कुल्लू में पहुँचते हैं और पैराग्लाइडिंग भी है, साहसिक गेमें वहाँ पर इस वक्त हो रही है। और यही वजह है कि मनाली की तरफ बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए जा रहे हैं। कुल्लू में धूप खिली है, लाहौल में मौसम साफ है। और संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, विद्वान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। राजपूत माला ठाकुर जी, विजय ठाकुर जी, बद्दी में भी बादल है, बारिश नहीं है। केवल कृष्ण जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और टेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से, प्रदीप ठाकुर जी बिंदिया ठाकुर जी सोलन से, नंगल में और श्री आनंदपुर साहिब में मौसम साफ है। राजवीर सिंह जी यह जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। संजीव शर्मा जी लाहौल से जुड़े हैं। सुंदर नगी नेगी जी चांगो में मौसम साफ है, दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारी आ रही है। राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए तो उनका भी स्वागत है। डॉक्टर ललित वर्मा जी परमाणु से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। दर्शकों के माध्यम से जानकारी है कि किस तरह का मौसम है। सोलन का तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हल्की हल्की धूप हमें यानी दुल्टा कोटखाई से जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। और तस्वीरें इस वक्त आप सोलन की देख रहे हैं, मौसम बारिश का बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं, हल्की हल्की हवाएं मौसम यहाँ पर चली हुई, जिससे सोलन का जो मौसम है वो खुशनुमा बना हुआ। विशाल अरोड़ा जी जुड़ गए पंजाब से मनसा से, उनका स्वागत है। पवन डांगरा जी का हम स्वागत करते हैं। सुशीला देवी जी, आत्माराम शर्मा जी, सुशील ठाकुर जी और संदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए। संजीव पेंटर जी भी जुड़े हैं तो सभी का हम स्वागत करते हैं। विवेक कुमार जी धूप खिली है और आत्माराम शर्मा जी भी, सुनील कुमार जी, संदीप कुमार जी, संजीव जी का हम स्वागत करते हैं। सोलन की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 9 से 13 मई तक मौसम का मिजाज बिगड़ेगा, जो जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था। और 9 मई को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है, ओलावृष्टि भी है और ओलावृष्टि से सेब की फसलों के साथ साथ रवि सीजन की जो फसलें तैयार हुई है और जो पौधे लगी हैं इस वक्त किसानों की नकदी फसलों की, उन फसलों को नुकसान हुआ। पर्यटक शिमला की ओर बड़ी संख्या में जाना जारी है, वजह है कि मौसम यहाँ का ठंडा है। प्रदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, रामपुर में मौसम साफ है। गगन कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। रवि कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अजय शर्मा जी, बिट्टू सूर्य जी बता रहे हैं, नाइस व्यू, नाइस कवरेज, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और दिलवार जी हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक
मलकोटा जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं, किस तरह का मौसम है। हल्के हल्के बादल है। हमीरपुर में भी धूप खिली है, प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त धूप खिली है। मोहनलाल जी बता रहे हैं कि ऊना में बहुत गर्मी है, और नंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। नंद किशोर जी यादव जी, आज मंडी में शिकारी देवी में बादल छाए हुए हैं, कमरू नाग में भी शाम 7:30 बजे यहाँ तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है। पिछले कल की बात है, गोकुल ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। तस्वीरें अभियानी दुल्टा जी हमें बता रही है कि कोटखाई में बादल धूप खिली है, और कड़क सैक सतीश जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांशी में भी मौसम साफ है। गुलामी ओम एम मास मगर स्वातु से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। जीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विवेक कुमार जी, जिंदगी आरसी के, और संजीव पेंटर जी बिलासपुर में मौसम इस वक्त साफ है। बिट्टू सूर्य जी बता रहे हैं कि लाहौल में हालांकि मौसम विभाग का तो पूर्वानुमान आज बारिश का है, और कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होगी, लेकिन कल से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में 11 से 13 के बीच में तो बताया गया है कि अनेक स्थानों पर बारिश होगी। 12 मई को अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 14 और 15 मई को मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बिगड़ सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। तो बारिश और ओलावृष्टि का जो स्थिति है वो बनी हुई है। कल भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश ओलावृष्टि हुई है, और उससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अंकित ठाकुर जी हमारे साथ सुंदर से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। केवल राम जी बता रहे हैं कि कुफरी में रात को तूफान काफ़ी आया, मौसम भी अभी फिलहाल साफ है। पट्टा में भी बादल छाए हुए, दिलावर खान जी बता रहे हैं। संजीव पेंटर जी बता रहे हैं बिलासपुर में मौसम इस वक्त साफ है। लहसुन का क्या रेट चला है मंडी में, 160 रुपये। बिट्टू सूर्या जी जुड़े हैं शिमला में, जिंदगी आरसी के, शिमला में कैसा मौसम रहेगा। मौसम आज इसी तरह का है, कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे, कई जगहों पर बारिश होगी, कुछ जगहों पर धूप खिली रहेगी, लेकिन बीच में जो जिस तरह का मौसम बना हुआ है आज यूपी में मिला जुला मौसम है। सुरेश राणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। लोकेंद्र परोस्टा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। और बिंदर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। 9816380008 मेरा फ़ोन नंबर है। और लोकेंद्र परोस्टा जी, सुरेंद्र राणा जी, यादव नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। पीके राजपूत जी, पंकज शर्मा जी, संदीप दीपू जी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित जी सुंदरनगर के हराबाग में मौसम साफ है, हराबाग की वो जानकारी दे रहे हैं। और लाहौल में आज कल फूलगोभी लग रही है, संजीव शर्मा जी की तरफ से हमें जानकारी आई है कि फूलगोभी वहाँ पर अब लग रही है। और ठाकुर बलबीर ठाकुर जी हमारे साथ बीबीएन से जुड़ गए, पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार भी है। बीबीएन में मौसम साफ है, हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। नरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। प्रदीप शर्मा मनसागर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रात को हल्की बूंदाबांदी हुई है फागू में जी। सीएम जी हमारे साथ भारद्वाज जी जुड़े हैं, सिराज में ओलावृष्टि, किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। देशराज जी जी जुड़े हैं, राजेंद्र खिमटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार दर्शकों के मैसेज हमें आ रहे हैं। गुलाब सिंह जी, राजपूत जी, आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ गए, उनका हम स्वागत करते हैं। गुलाब सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक शर्मा जी बता रहे हैं कि शिमला में भी मौसम लगभग साफ है। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं। बाबूराम जी चौपाल में मौसम साफ है। लोकेंद्र परोस्टा जी, पीके राजपूत जी, रविंदर धवन जी रोडू में से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बाली नंबरदार जी, गीपी मंडियाल जी, और रोडू में आज बरसात है। जगमोहन जी हमारे साथ जुड़े, मौसम मिला जुला देखने को मिला है। और बलविंदर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका वो बता रहे हैं कि मौसम नालागढ़ में हल्के बादल, इस पर हल्की धूप है, हल्के हल्के बादल है। हेमराज जी हमारे साथ जुड़े हैं जी, ओपी रनौट जी, राजेंद्र हिमटा जी, देशराज जी, मंडी में बादल है आज,
विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, देशराज ठाकुर जी आज हुए, कैसा रहेगा मौसम? मिला जुला मौसम है, कई जगह बादल छाए हुए हैं। सुरेश राणा जी जुड़े हैं तुइनी से, तो उनका स्वागत है। और थर्ड आई से विशाल वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मौसम खराब है सोलन का, सोलन से ही जुड़े हैं, तो सोलन के मौसम की जानकारी वो दे रहे हैं। उम्मीद शायद आज इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए और बारिश की संभावना बनी रहती है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज कुछ इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। चीमा जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेम चौहान जी जुड़ गए हैं, बिट्टू सूर्या जी, और बिट्टू सूर्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सुबह सुबह के वक्त हम सब्जी मंडी भी पहुंच ही जाते हैं, तो लगते हाथ में मौसम की जानकारी भी दे दें। अमजद शेख जी, बिक्की ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, और बिट्टू सूर्य जी का दिल से आभार। प्रेम चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और चीमा एम्यूल जी, चीमा जी सोलन से हम आपके साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, और हिमाचल प्रदेश से दिनेश सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बिंदर ठाकुर जी मंडी में बादल इस वक्त छाए हुए हैं, विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, सुरेश रोल्टा जी, विशाल कुमार जी, लगता है सोलन में मौसम खराब है जी, बिल्कुल आज इसी तरह का मौसम बना हुआ है। और किरण पाल कश्यप जी बता रहे हैं कि राजगढ़ में मौसम इस वक्त साफ है, शाम को हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है। किरण पाल किशोर जी राजगढ़ से, अमजद शेख जी, विक्की ठाकुर जी, और चांद जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुभाष जी, त्रिलोक शर्मा जी, दीपचंद जी बता रहे हैं कि छाजपुर में कल ओलावृष्टि हुई है शायद, और किसानों को भारी नुकसान वहां पर हुआ है। रेखा बुशहरी जी, प्रशांत चौधरी जी, नरेंद्र सिंह जी, चांद सुभाषी त्रिलोक जी, और छाजपुर में कल भारी ओलावृष्टि हुई है, और उससे बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान, बड़ी बुरी स्थिति बागवानों की इस वक्त बनी हुई है। चाहे किसानों की बात करें, लगातार बीच में जब भी मौसम ख़राब हो रहा है तो ओलावृष्टि हो रही है, और पहले किसानों के ऊपर सूखे की मार थी, अब जब मौसम में बदलाव देखने को मिला तो ओलावृष्टि की मार किसानों के ऊपर पड़ रही है, और उससे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश के किसानों को हो रहा है। सुबोध जी हमारे साथ जुड़े हैं, और जगमोहन सिंह मर्चेंट जी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। बिलासपुर के बंदारा में बारिश होगी, सुरेश ठाकुर जी सवाल कर रहे हैं, मौसम विभाग की ओर से तो आज है बीच बीच में बारिश है। प्रेमचंद ठाकुर जी स्नेट से जुड़ गए, जुब्बड़हट्टी, सारी ममली, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, मछील, स्नेट, पट्टा, बरावरी, हरिपुर और अर्की में मौसम साफ बना हुआ है, उनकी तरफ से जानकारी आई है। सोलन में इस वक्त बादल है। प्रशांत चौधरी जी, नरेंद्र सिंह जी, चांद सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हैं, दीपचंद जी और चिम्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं मेक्सिको से, तो हम उनका स्वागत करते हैं, मेक्सिको से जुड़े हुए हैं। और तस्वीरें आप इस वक्त हिंदुस्तान की देख रहे हैं, हिंदुस्तान के हिमाचल प्रदेश के सोलन के क्षेत्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओपी रनौट जी हमारे साथ जुड़े हैं, जगमोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में मौसम आज भी मौसम में बदलाव रहेगा, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। सुमित जसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, और प्रदेश में कल कुछ एक स्थानों पर बारिश हुई, कुछ एक जगहों पर ओलावृष्टि हुई है, उससे थोड़ी तापमान में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। जिस तरह का तापमान प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से चला हुआ था, लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, 42 डिग्री सेल्सियस तक हिमाचल प्रदेश का तापमान पहुंच गया था, और मैदानी क्षेत्र जबरदस्त मैदानी क्षेत्रों में गर्मी अपना रंग दिखा रही थी, मध्य पर्वतीय क्षेत्र भी तप गए थे, पहाड़ तपने शुरू हो चुके थे, इस तरह की स्थिति थी। लेकिन कुछ एक जगहों पर ताप जैसे ही ओलावृष्टि हुई है या बारिश हुई है तो तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। प्रदेश की राजधानी शिमला की ही बात करें तो वहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच गया था, अब 22 डिग्री सेल्सियस है। सुंदरनगर का 35 से गिरकर 32.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कल्पा में 22.9 है। धर्मशाला का 31 डिग्री सेल्सियस से गिरकर अब 29 डिग्री है।
ऊना में जो मैदान है हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र, वहाँ पर तो तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। 39.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है, ऑलमोस्ट ऊना का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच गया है। नाहन में 30.2 है, केलोंग में 19.1 है और सोलन के तापमान में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे 28.5 डिग्री सेल्सियस सोलन का तापमान पहुंच गया है। मनाली में 25.5 है, कांगड़ा में 33.4 है, मंडी में 32.6 है, बिलासपुर में 35.9 है, हमीरपुर में 30.7 है, चंबा में 30.1 है, जुबड़ट्टी में 26.5 है, कुफरी में 17 डिग्री सेल्सियस, नारकंडा में 19.9 डिग्री सेल्सियस, रिकांगपिओ में 27.9, सेवबाग में 29.4, धौलाकुआं में 33.7, बठी में 34.1, कसौली में 26.2, ताबो में 22 डिग्री सेल्सियस, मशोबरा में 21 और नेरी में 38.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ट्रूनेल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। मोतीलाल लठ जी बता रहे हैं कि वो ऊना में प्रचंड गर्मी है, बारिश ही रात दे सकती है। बिल्कुल जी बारिश होगी, लेकिन ऊना में तो ऐसा लग रहा है कि बारिश 11 के आसपास ही हो सकती है, क्योंकि 11 से बताया गया है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होगी। जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेरवा में मौसम साफ है। जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, जय भारत जय हिमाचल। संतराम शर्मा जी का स्वागत, राजीव सैनी नंगल जी का स्वागत है, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, बंटू जी का स्वागत करते हैं, शिव प्रसाद जी कालिया हमारे साथ भरमौर से जुड़े हैं, मौसम वहाँ का भी साफ है। जोगिंदरनगर में क्लाइमेट कैसा रहेगा जी, सुमित जसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। जोगिंदरनगर में प्रॉपर की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से तो मंडी के लिए भी आज बादल ही बताए गए, बारिश हो सकती है कुछ एक स्थानों पर। अब देखते हैं किस तरह का मौसम रहता है, क्योंकि 15 मई तक को ले 15 मई तक मौसम विभाग की ओर से मौसम का हाल बताया गया है और 13 तक प्रदेश में मौसम बिल्कुल 11 से 13 तक तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की चेतावनी दी गई है। जनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, विद्यानंद जी बर्फबारी कब है जी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो प्रदेश में बीच बीच में बर्फबारी लगातार ही हो रही है, चाहे मई का महीना हो अप्रैल का हो, लगातार बारिश का वहाँ दौर चला हुआ है। लाहौल घाटी में रुपिंदर बंसल जी, जनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, उदय ठाकुर जी, प्रेम चौहान जी सुन्नी में से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, निकू शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हल्के हल्के बादल सोलन में, धूप बिल्कुल अभी हल्की है और इस तरह का मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। न्यूनतम तापमान हो अधिकतम तापमान हो, सब में बढ़ोतरी इस वक्त नज़र आ रही है और न्यूनतम तापमान जहां शिमला का 13.8 डिग्री सेल्सियस है, वहीं सुंदरनगर का 19.1 है, भुंतर का 17 डिग्री सेल्सियस, कल्पा का 9 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला का 19.9, ऊना 20.6, नाहन 20.5, केलोंग 4.9, पालमपुर 16.5, सोलन 12 डिग्री सेल्सियस, मनाली 9.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है, कांगड़ा 23.2 है, मंडी 20.1 है, भरमौर 20.9 है, हरिपुर हमीरपुर में 19.8 है, चंबा में 17.5 है, डलहौजी में 15.3 है, जुबड़ट्टी में 17.8 है, कुफरी में 12.6 है, कुकुमसेरी में 5.1 है, नारकंडा में 11.1 है, रिकांगपिओ में 12.8 है, सेवबाग में 15.5 है, धौलाकुआं में 24.9 है, बठी में 19.8 है, कसौली में 16 डिग्री सेल्सियस है, पांवटा साहिब 25 डिग्री सेल्सियस है, सरान 12.5 है, देरा गोपीपुर में 21 डिग्री सेल्सियस, ताबो में 11.8, मशोबरा में 14.4, नेरी में 24.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। नेत्र सिंह जी ठाकुर जी एक्यूरेट, रतन ठाकुर जी, नेत्र जी मौसम विभाग का पूर्वानुमान कुछ इसी तरह के होते हैं कि एक्यूरेट मौसम विभाग की जानकारी भी कांट और उसी जानकारी को हम साझा कर रहे हैं जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से बताया गया है। अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी हमें मिले वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, तो हम
जानकारी तो आप लोगों से ही चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम है। रतन ठाकुर जी, अशोक वर्मा जी, जी हमारे साथ रोपड़ में अभी मौसम बिल्कुल क्लियर है, रोपड़ की जानकारी दे रहे हैं। उदय ठाकुर जी, सुनील जी, प्रेम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं और नेत्र सिंह ठाकुर जी। तरविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। गुमन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और अभी साफ है यहाँ मौसम। नेत्र सिंह जी बता रहे हैं अपने क्षेत्र के बारे में कि वहाँ पर मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल भी मौसम खराब रहा, कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई है, उससे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। विशेषकर सेब की बात करें क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिकी है वो सेब के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है और सेब की फसल को लगातार नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि की वजह से भी हुआ, पहले बर्फबारी कम हुई और इसी तरह रबी सीजन की जो फसलें लगी थी अब कई जगहों पर कटाई का काम, गेहूं की कटाई का काम पूरा हो चुका है। कुछ एक जगहों पर जो हिमाचल प्रदेश के जिन क्षेत्रों में अभी मौसम ठंडा बना हुआ था तो वहां पर अब पकनी शुरू होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मई के महीने में जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है तो सोलन जो शहर है इसके आसपास के क्षेत्रों में जो हाइट वाले क्षेत्र है वहाँ पर भी अब गेहूँ की फसल लगभग तैयार हो गई है, कटाई का काम शुरू हो रहा है। तो ऐसे में ओलावृष्टि या बारिश हो रही है तो उससे किसानों को परेशानी जरूर हो रही है। आजकल टमाटर का पौधे लगी है, टमाटर के अलावा यदि हम बात करें तो फ्रांस बीन है, शिमला मिर्च है और फ्रांस बीन तो मंडियों में इस वक्त आ भी रही है और फ्रांस बीन में तेज़ी भी देखने को मिल रही है। ऐसे समय में ओलावृष्टि की वजह से फ्रांस बीन को भी नुकसान हो रहा है। मटर की फसल काफ़ी समय से मंडियों में पहुँच रही है तो ओलावृष्टि की वजह से मटर की फसल को भी नुकसान हुआ। 70 से 72 रुपये प्रति किलो तक मटर बिक रहे हैं और लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। हालांकि अधिकांश क्षेत्रों को लेकर मौसम विभाग की ओर से कोई भी ऐसी चेतावनी नहीं है, लेकिन अलर्ट भी कोई मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट टाइप जारी नहीं किया गया है। लेकिन आज भी मौसम प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में मौसम बदलेगा। सोलन में तो अभी बादल छाए हुए हैं लेकिन कई क्षेत्रों में आज मौसम साफ है, लेकिन जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है उसका ज़्यादा व्यापक असर 11, 12 और 13 मई को देखने को मिलेगा। उस दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होगी, इस तरह की मौसम विभाग की ओर से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। रेणु कुरियन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और कुल मिलाकर आज प्रदेश में रतन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और बारिश होगी इस तरह का मौसम विभाग की ओर से संभावना जरूर है, लेकिन प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की आज संभावना नहीं है। हम ये कह सकते हैं कुछ एक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं शाहतलाई से तो उनका हम स्वागत करते हैं। शाहतलाई में वो बता रहे हैं कि मौसम आज साफ है। जय बाबा बालकनाथ जी की, कुशल शर्मा जी, मनोज कुमार पासवान जी और कश्मीर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो सभी का स्वागत है। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज कुछ एक जगहों पर बारिश होने की संभावना है, अधिकांश क्षेत्रों में मौसम बादल भी छाए रहेंगे, कुछ एक जगहों पर मौसम साफ रहेगा विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो पंजाब केसरी टीवी में अभी के लिए तो फिलहाल बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर करें, कहीं जाइएगा नहीं। लहसुन का भाव हम अब आपको बताएंगे किसान भाइयों को कि किस तरह से लहसुन आज मंडी में बिका। कांति ब्राक्टा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है।